हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तुलसी ब्यूटी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि टीका फिक्सिंग कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले ईयर टू ईयर पैटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम पतली सी चोटी बना लेंगे टीका फिक्सिंग के लिए। फ्रेंड्स, यही एक ट्रिक है टीका फिक्सिंग करने की। लास्ट में मैं आपको टीका खींच के दिखाऊंगी, उसके लिए आपको मेरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। ये हमने चोटी बना ली है। अगर आपको लगता है कि ये चोटी थोड़ी खींची खींची से है, तो आप थोड़े थोड़े बाल खींचकर उसे लूज कर लीजिए, ताकि इस पर हम टीका अच्छे से फिक्स कर सके और पिन स्लिप भी ना हो। इसके बाद हम टीका फिक्स कर लेंगे। पहले इसके लिए हम छोटी वाली बॉबी पिन लेंगे, ये वाली। फ्रेंड्स, अब जब बड़ी पिन लेते हैं तो टीका स्लिप हो जाता है और बड़ी बड़ी पिन अच्छी नहीं लगती है, तो आप छोटी वाली बॉबी पिन ही लेंगे। इसके बाद मैं आपको पफ वाली हेयर स्टाइल बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने सिखाने के लिए वीडियो बनाया है, तो मैं पफ वाली हेयर स्टाइल बनाऊंगी। आप चाहो तो कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, कई लोगों ने कंप्लेन की है कि टीका फिक्सिंग करने के बाद भी स्लिप हो जाता है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अच्छे से कॉम कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि पफ हम जब बनाते हैं तो बीच में गैप रह जाता है, तो आप पीछे से बैक कम कर लेंगे पहले, उसके बाद हम फिर से अच्छे से कॉम कर लेंगे और पफ बना लेंगे। पफ बनाने के बाद हम अच्छे से उसे पिनअप कर लेंगे। और आपको लगता है कि कहीं से भी ये पफ दबा हुआ है, तो आप उसे कॉम से थोड़ा थोड़ा खींच लीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके साथ अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे होम रेमेडी शेयर कर सकूं। और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन आएगा, उसे आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो लेकर आऊं, तो सबसे पहले उसे आप देख सके। फ्रेंड्स, ये हमारा पफ रेडी हो गया है। अगर आप यहाँ तक ही ऐसी हेयर स्टाइल रखना चाहते हैं, तो ऐसी रख सकते हैं, या फिर आप फुल पफ बना सकते हैं, जैसे मैं बना रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको कुछ भी पूछना हो या बताना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका हर सवाल का जवाब दूंगी। मैं आप सबकी कमेंट को पढ़ती हूँ और उसका जवाब भी देती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन मैं रिप्लाई करती हूँ। और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, तो आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिए, ताकि वो लोग भी ये सीख सके। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये फुल पफ रेडी हो गया है। अच्छे से हम उसे पिनअप करके फिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने ये बहुत सारी बॉबी पिन लगाई है, तो उसको हाइड करने के लिए हम पीछे ब्रॉच लगा लेंगे, ताकि पिन भी हाइड हो जाएगी और लुक भी अच्छा आएगा। मैं ये छोटा वाला ब्रॉच लगा रही हूँ, आप चाहो तो कोई बड़ा वाला ब्रॉच ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाऊंगी टीका खींच के, देखिए आप टीका बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्लिप नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप बताइए आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।